अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके हाजिर हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सी पार्ट डी और ई डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप बुक खोलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी डी ई पार्ट है, ये आल टू आल जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो इनमें से मैंने जो सी पार्ट है वो सोल्व किया है आपके सामने, और इससे रिलेटेड जो डी और ई पार्ट है वो आपने खुद देखने होंगे, और ये तीसरा होंगे मैं आपको एक जो है सी पार्ट को समझा देता हूँ। इसके बाद गौर से ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आपने जो दोनों को हार समझ करने हैं। तो इसमें वर्किंग का रूल ये है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स में रो और कॉलम के लिहाज से वर्क करना है। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें आपने ट्रैवलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू रो, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें अकॉर्डिंग टू कॉलम वर्क करना है। तो होता इस तरह है कि हम फर्स्ट फिगर को जो कि रो के लिहाज से मतलब देखते हैं तो वो वन है, और इधर से कॉलम के लिहाज से देखते हैं तो वो भी वन है। तो इनको बोलते हैं कि फर्स्ट जो कि हेड होते हैं, हम इन हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो सेकेंड रो का जो टू है ये कॉलम के रो 4 के साथ मल्टीपल होगा, 4 के साथ मल्टीपल होगा, तो इसे हम टेल बोलते हैं। मतलब क्योंकि यूँ कह सकते हैं आप कि 1 और 1 ये हो गया हेड, और 2 और 4 हो गया टेल। तो हम 1 को मतलब हेड को हेड से मल्टीपल करेंगे, 1 को 1 के साथ फिर प्लस लगा के हेड टेल को टेल से मल्टीपल करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट गिनेंगे इस तरह से। और हेड हेड को और टेल टेल को हम प्लस के साइन से कंबाइन कर देंगे, फिर देखेंगे दोबारा से हेड जो कि 1 है ये 1 से मल्टीपल होगा जो कि इधर से हेड है, और प्लस लगा के हम टेल जो कि 2 है इधर से टेल कॉलम के लिहाज से 4 है उसको हम मल्टीपल करेंगे। तो हेड से हेड मल्टीपल हुआ, प्लस करके टेल को टेल से मल्टीपल कर दिया, और यही प्रोसीजर हम जो है ना वो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ भी करेंगे। मतलब ये कि हम यहाँ से फर्स्ट रो ही यूज़ करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ यूज़ करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से वर्किंग होगी, हेड को हम हेड से मल्टीपल करेंगे जो कि लिखा गया नेक्स्ट 1 है 2, फिर प्लस करके टेल जो है वो 2 है और जैसे 5 है वो मल्टीपल करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि ये दोबारा से 1 3 से मल्टीपल हो जाएगा, और प्लस करके 2 को हम 6 से मल्टीपल कर देंगे, जो कि हेड हेड से और टेल टेल से मल्टीप्लीकेशन का रूल होगा। सेम ऐसे ही अब हम सेकंड रो यूज़ करते हैं, तो फिर इधर से फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम यूज़ करेंगे। मतलब सेकंड रो तो हम सेकंड रो में लिखेंगे, फिर सेकंड रो का फर्स्ट डेट है 3 जो कि 1 से मल्टीपल होगा, फिर प्लस करेंगे तो 4 से मल्टीपल होगा। मतलब हेड हेड से हो गया और टेल टेल से मल्टीपल हो गया। सेम हमने 3 को 2 से और 3 को 5 से मल्टीपल करके लिखा, और फिर 3 को 3 से और 4 को 6 से मल्टीपल करके हमने नेक्स्ट लिख दिया। इसी तरह जो थर्ड रो है इसे भी हम थर्ड रो में मेंशन करेंगे, -1 को 1 से और 1 को 4 से, -1 को 2 से और 1 को 5 से यहाँ पे लिखा, और नेक्स्ट -1 को 3 से और 1 को 6 से सारा हमने नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया। तो ये हेड हेड से और टेल टेल से जो है ना मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने ये जो स्टेप का ये राइट किया है। अब इनको मल्टीपल कर देते हैं, जिसे 1 1 का 1 होता है, 2 4 8, 7 3 1 3 और 4 4 16, -1 1 का -1 और 1 4 का 4, ऐसे ये 2 1 2 और 2 5 10, 3 2 6 और 4 5 20 और -1 2 द -2 2 1 2 आएगा यहाँ पे और 5 1 द 5
ये लिखा जाएगा और उसके साथ में ये 3 1 3 6 4 12 और 3 0 9 और 6 4 24 और -3 1 3 माइनस में और 6 1 6 लिखा जाएगा। इसके बाद ये हम इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 19, ये माइनस होकर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लिखा जाएगा जो कि लिखा हुआ है और 26 लिखा जाएगा और ये माइनस होकर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट डे प्लस करके 15 और ये 33 और ये माइनस करके 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह ये मल्टीप्लीकेशन का जो मैथड कम्प्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी मैथड से आपने यहाँ पर इसका डी और ई पार्ट भी करना है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। आप ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिहाज से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि ये सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है, तो मैंने वो पहले फाइंड कर ली है। तो बी का मैट्रिक्स यूज किया, थ्री वैसे ही मैंने लिखा और ये कि हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ट्रांसपोज बन जाएगा, सेम सी का ट्रांसपोज बना लिया। अब मैंने इसकी लेफ्ट साइड पहले सॉल्व किया है, बी सी होल ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी सी को मल्टीपल करेंगे और जो हमें आंस मिलेगा, मैंने यहाँ पर इसका पैटर्न ड्रा किया है, तो मल्टीप्लीकेशन जैसा कि हमने ये यहाँ पर की थी वैसे आपने मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है अपने आंसर का, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज लेंगे जो कि हमारी लेफ्ट साइड का सोल्यूशन होगा। सेम हम फिर नेक्स्ट राइट साइड लिखेंगे जो कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है, सी और बी का मैट्रिक्स साइड करेंगे जो हमने ट्रांसपोज के जरिए से सॉल्व करके निकाले हुए ये वाले, ये दोनों मैट्रिक्स यूज होंगे और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो आंस बनेगा लेफ्ट साइड के इक्वल आएगा। तो उसके बाद हम लेफ्ट राइट को इक्वल लिखेंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा पैटर्न ड्रा किया है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होनी है जो कि आपने इसी मैथड से करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो आपने को मैंने बताए हैं कि ये आपने खुद से कुछ करने हैं, कुछ मैंने करवा दी है, तो ये आपने होमवर्क में अच्छी तरह से इनको नोट कर लेना है। वर्किंग जो मैंने कर दी है ये एज इट इज़ और जो मैंने बता दी वो आपने खुद करके इसी मैथड से अपने रजिस्टर पेपर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।